छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है और विधानसभा सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की बैठक ली, जिसमें जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। साथ ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, धनेन्द्र साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने भी बैठक में शिरकत की। बता दें कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसमें करीब 25,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा घेराव कर रही है, एक गाड़ी लगाकर और उसमें माइक से पूरे शहर में तिरंगा घुमाया जाएगा, जिससे कि उसका प्रचार हो सके। शहर और ग्रामीण का जिला कांग्रेस का बैठक हुई है 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर। सभी लोगों ने मिलकर जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं और हमें आश्वस्त किया है कि रायपुर शहर से लगभग अच्छा गैदरिंग रहेगा और ये विधानसभा घेराव प्रदेश सरकार की नाकामी, उनकी विफलता, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक घेराव रहेगा, ताकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी को लेकर आक्रोशित हैं। निश्चित रूप से ये घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा, इसकी तैयारियों को लेकर आज हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के साथ बैठकें हुई है।